अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ्स में। तो आज जो है हम आए हुए हैं जुबैल मैनग्रूव पार्क। अच्छा, ये जुबैल आइलैंड में है और ये जस्ट रिसेंटली ओपन हुआ है। अभी कुछ 3 दिन हुए हैं सो ओपन हुए, और ये जो है अबू धाबी का न्यूएस्ट अट्रैक्शन है। कार पार्क हमने कर ली है, हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। और ये है इसका मैप, और ये बेसिकली सिर्फ एक वॉक ही है, आपको सिर्फ वॉक ही करना है यहाँ पर। तो जस्ट हमने एंटर किया है, ये इसका एंट्रेंस है। और वॉक की मैं अगर बताऊँ बात आपको, तो 3 रूट्स हैं यहाँ पर। हम ले रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट वाला रूट जो है 2 किलोमीटर्स का, और ये हमने स्टार्ट किया है यहाँ से अपनी वॉक। और दोनों ही साइड्स पर जो हैं आपको मैनग्रूव्स दिख रहे हैं। मैनग्रूव का पूरा एक फॉरेस्ट सा है यहाँ पर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं अपनी डेली लाइफ्स में, या हम बिज़ी होते हैं तो ऐसी जगह पर हम विज़िट नहीं कर पाते हैं इतना, और अलाउड भी नहीं होता है कि आप मैनग्रूव फॉरेस्ट में जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक चेंज है। यूजुअली हम मॉल्स में जा रहे होते हैं या एम्यूज़मेंट पार्क्स में जा रहे होते हैं, यूएई जो है वहाँ इतने ज़्यादा, यहाँ पर इतने ज़्यादा एम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, मॉल्स हैं, तो हम ऐसी नेचुरल चीज़ों पर हम कम ही जा पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था, न्यू था ये। अभी जो है इसका सबसे अच्छा टाइम है आने का, क्योंकि अगर समर्स जब स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी आना, क्योंकि ये ओपन है तो गर्मियों में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इस टाइम पे अगर आना है, किसी को विज़िट करना है, तो ये वाला मंथ या नेक्स्ट मंथ भी ठीक है। और अब हम पहुँचे हैं अपने फ़र्स्ट व्यू पॉइंट पे। तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे जो है व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ आप थोड़ा सा रुक के जो है व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये हमारा फ़र्स्ट व्यू पॉइंट है, यहाँ से ये वाटर जो है ये थोड़ा सा कलेक्टेड है यहाँ पर इस एरिया में। तो बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था, और सारे ही जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे, थोड़ा सा क्लिक कर रहे थे सेल्फ़ीज़। और यहाँ इसके साथ साथ पानी में ना बहुत छोटी छोटी फिशेस भी थी, अगर आपको दिख रही है तो बहुत छोटी हैं। तो बहुत ही अच्छा सा व्यू है यहाँ, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। ये व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बाकी जो व्यू पॉइंट थे वो हम बस वहीं पर से नीचे से ही जो है सारा व्यू इंजॉय कर रहे थे। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा हाइटेड है, तो आप स्टेयर्स हैं, आप ऊपर जाके ऊपर का जो व्यू है, जो पूरा ओवरऑल जो फॉरेस्ट है, कितना बड़ा फॉरेस्ट है, क्या उसका ऊपर से व्यू है, पूरा फॉरेस्ट मतलब आप देख सकते हो। तो यहाँ ये वाला व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा था।
You like this place? No. No? Why? You don't like this place? तो वॉक जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, बट स्टिल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा यहाँ बोर हो सकते हैं, जैसे मेरी डॉटर हो रही थी और उनको जो है ये प्लेस थोड़ा सा बोरिंग भी लग रही थी, क्योंकि आप एक ही चीज़ है जो दोनों ही साइड्स पर एक ही चीज़ है जो आपको दिख रही है कंटिन्यूसली, और कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ आप वॉक कर रहे हो, दोनों साइड पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है और आप कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स पर वेट कर रहे हो, रुक रहे हो, सेल्फीज़ क्लिक कर रहे हो या व्यू इंजॉय कर रहे हो, और फिर आप अगेन वॉक कर रहे हो और फिर से वो चल रहा है लूप पे। तो बच्चे जो हैं बहुत बोर हो रहे थे। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट व्यू पॉइंट है और ये है सॉल्ट कलेक्टर्स। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है कलेक्ट किया हुआ है यहाँ, और इसके नीचे जो है सॉल्ट जम गई है। तो ये वही थोड़ा सा डिस्प्ले किया है लोगों ने कि कैसे सॉल्ट जो है वो कलेक्ट होती है। तो ये व्यू पॉइंट जो था थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था। हम जो है वॉक किए जा रहे हैं और इतना लंबा जो है हम वॉक कर चुके हैं अभी, और आ गया है बीच प्लेटफॉर्म। इसको दिखाने से पहले सबसे पहले ये सुनना ज़रूरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लेडी जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, और मैंने जो है सीरियसली बताऊँ ये इंस्ट्रूमेंट मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, और बहुत ही प्यारा सा वो प्ले कर रही थी उसको। तो सारे ही जो लोग हैं वो रुक के जो है सुन रहे थे उस चीज़ को। और ये जो है ये बीच प्लेटफॉर्म है, बीच यहाँ है। व्हाट हैपेंड टू यू? Why you're not walking? Tell me. You don't want to walk? Why? See, we are going to the car parking area. No, I want to go to the play area. You want to go play area? Yes. Okay, we can go other park. Okay? You want to go any other park? For playing? Yes. Okay. No fun. मेरी जो डॉटर्स हैं वो सीरियसली बहुत बोर हो गई थी यहाँ, क्योंकि हम जो है वो देख रहे हैं कि वॉक कर रहे हैं हम, एक नेचुरल सा एटमॉस्फेयर है, नेचर है और मैनग्रूव्स हैं, तो हम इंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो एट दी एंड किड्स प्ले एरिया ही चाहिए होता है। तो बस उनको हमने कहा कि आप ये वॉक ख़त्म कर लें और इसके बाद जो है हम आपको पार्क लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो है जब हमने एंटर किया था तो हमने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि आगे जो है फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ स्टार्ट होंगी, तो तब शायद बच्चे यहाँ आकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो, प्ले एरिया भी होगा, किड्स प्ले एरिया भी होगा यहाँ पर, अभी फॉर द टाइमिंग नहीं है। तो हमने बस यहाँ से हम निकले, हमें जाना है बच्चों को लेकर पार्क, और उसके बाद जो है थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग भी करनी है। तो वो सारी जो क्लिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज ऑलरेडी वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आज का वीडियो सारा था इस न्यू अट्रैक्शन के बारे में, अबू धाबी का न्यूज़ अट्रैक्शन जुबैल मैनग्रूव पार्क। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताएँ, और बस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।